हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जनवरी 2020 की विंटर वेयर की कलेक्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं, और आज इस वीडियो में मैं आपको फुटवेयर और बैग्स के कलेक्शन दिखाने वाली हूं। ये जो लेदर लुक के बूट्स हैं, इसका प्राइस भैया 500 बोल रहे हैं, और जो पीछे दिखा रहे हैं वो 300 के प्राइस का है, और फ्रंट में जितने भी फुटवेयर हैं उनके प्राइस 200, और जो ये पिंक वाला शो कर रहे हैं उसका प्राइस भैया 500 बोल रहे थे, जो कि मुझे ज़्यादा लगा। इस तरीके के कलेक्शन आपको सरोजनी नगर में गेट नंबर 2 के बाहर देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जब आप गेट नंबर 2 से एंटर होंगे ना, तो ये वाले कलेक्शन आपको यहाँ पे बाहर पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पे आपको पसंद आता है, और बार्गेनिंग तो बिल्कुल करना ही बनता है, और अगर आपको सही प्राइस में मिले तो आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही जो स्टॉल लगाया हुआ था भैया ने फुटवेयर का, यहाँ पे ये भैया जो फ्रंट के जितने भी फुटवेयर हैं इनका प्राइस 200 बता रहे थे, और जो ये बैक साइड में ब्लू कलर के और पिंक कलर के शूज़ टाइप के लुक में हैं उसका 250 प्राइस बता रहे थे। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट फुटवेयर मिलेंगे, लेकिन इनके पास बूट्स नहीं थे। मैंने एंट्री गेट नंबर 2 से किया है, तो उस लेन में जितने भी फुटवेयर और बैग्स के शॉप्स या पटरी में आपको सेल करते हुए मिलेंगे वो मैं आपको दिखाते जाऊंगी। तो ये शॉप नंबर 96 के जस्ट नियर बाय, ये जो है यहाँ पे आपको बैग्स से भी कलेक्शन मिलेंगे, पर्स भी थे इनके पास, और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के इन्होंने कैप्स और वुलन कैप्स और बड़ों के भी कैप्स रखे हुए थे, जिसका प्राइस ये 100 रुपीस बोल रहे थे। तो जिस साइड का पर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइड के पर्स 400 प्राइस का बता रहे हैं भैया, और राइट हैंड साइड में जो ये पर्स के कलेक्शन है इनका प्राइस भैया 350 बता रहे हैं। और इसके जस्ट बगल में आपको एयरिंग के कलेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, जो मैं ऑलरेडी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और इसका प्राइस ये 50 बोल रही थी। और इसके साथ ही ये नेक पीस भी सेल कर रही थी। मैं ऑलरेडी आपके साथ ज्वेलरी इन सरोजनी नगर का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके के नेक पीसेस के क्या प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रेट कोट कर रही थी। इन्होंने जो ये नेक पीस है इसका प्राइस 250 बोल रही थी। आप सभी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने SN का 90% पूरी शॉप और मार्केट कवर की है इसमें, तो आपको हर तरीके के बूट्स बैग देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके साथ ही फुटवेयर की सेल लगी हुई थी, और यहाँ पे जो बूट्स हैं, जो लॉन्ग बूट्स हैं, इसका प्राइस 400 के अप्रॉक्स बोल रहे थे, और जो शॉर्ट में है उसका प्राइस 350 बोल रहे थे, और जो फ्रंट में फुटवेयर है उसका प्राइस भैया 200 बोल रहे थे। तो इस तरीके से फुटवेयर की सेल आपको जगह जगह में देखने के लिए मिलेगी, और प्राइस सबके अप्रॉक्स ऐसे ही हैं, और इससे ज़्यादा कई जगह पे मैंने देखा कि थोड़ी ज़्यादा कोट कर रहे थे, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसी वाले जो पटरी शॉप है उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे ब्रांडेड कुर्तियाँ सेल हो रही थी कॉटन की, 200 के प्राइस में मैक्स की थी, इसमें W की कुर्तियाँ थी, और साथ ही फुटवेयर भी सेल हो रहे थे, इसके प्राइस भी 200 प्लस थे। और इसके थोड़ी आगे जाने पे बीच में भैया अपना स्टॉल लगा के रखते हैं, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 100 रुपीज़ के प्राइस में है, और यहाँ पे जितने भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये आपको 100 रुपीज़ के प्राइस में मिल जाएंगे, और साइड में जो हैं वो पर्स आपको 150 और 200 के अप्रॉक्स बता रहे थे। और आपको इसी लेन में आगे जाना है, और थोड़ी सी आगे जाने पे मिली एक और फुटवेयर की सेल, और यहाँ पे जो पीछे वाले लॉन्ग बूट है इसका प्राइस भैया बोल रहे हैं 450, और जो आगे शॉर्ट वाले हैं उसका प्राइस बोल रहे हैं 350। लुक वाइज तो ये बूट बहुत अच्छे लग रहे थे, पर क्वालिटी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कितना चलेंगे, ये इसको यूज़ करके ही पता चल पाएगा। और ये जो सैंडल है ये 200 के प्राइस में जो फ्रंट में आपको दिख रहे हैं। और इसके थोड़ी आगे जाने पर जस्ट लेडी वाले शोरूम के जस्ट सामने इस तरीके के फुटवेयर की सेल थी, और यहाँ पे जितने भी ये शूज़ और फुटवेयर डिफरेंट स्टाइल के हैं ये आपको 200 के प्राइस में थे। और तो कई फुटवेयर की शॉप में आपको इस तरीके के फुटवेयर आपको 300 प्लस में सेल करते हुए मिलेंगे, तो बी केयरफुल, आपको इतने महंगे में नहीं लेना है। और बैक साइड में जो बूट्स दिख रहे हैं उसका प्राइस 350 बोल रहे थे, और साथ ही साथ सॉफ्ट जो फुटवेयर है
स्लीपर स्टाइल में है। ये इसका प्राइस भैया 200 बोल रहे थे। और इसके जस्ट बगल में ये विंटर वेयर सेल हो रहे थे और यहाँ पे ये जो स्वेटर्स है ये 150 के प्राइस में थे। जब आप थोड़ी आगे जाते हैं तो इसी लेन में कॉर्नर में ये लेडी आपको ज्वेलरी सेल करते हुए मिलेंगी और इनके पास हैवी ज्वेलरी के कलेक्शन थे जो आपको किसी फंक्शन में जैसे मैरिज में पहनना हो तो उस तरीके के कलेक्शन यहाँ पे अच्छे थे, जिसका प्राइस ये 200 प्लस बोल रही है। और जो ये नेक पीस मैं देख रही हूँ इसका प्राइस ये 250 के अप्रॉक्स बोल रही थी। तो आप यहाँ तो अगर आपको इस तरीके की ज्वेलरी परचेज करनी है तो आप इनके पास आके चेक कर सकते हैं। और ये जो शूज़ की सेल है ये ग्रेफिटी लेन के जस्ट अपोजिट में, मतलब जब दुर्गा मंदिर जो है उसके बाहर पे ये लगी होती है। और ये सारे के सारे 200 के प्राइस में थे जितने भी आपको दिख रहे हैं। इधर आ जाओ लेडीज, दोस्तों दोस्तों इधर आ जाओ। पीछे वाला 250 का है ना भैया आपका वो सारे। और जो बैक साइड में बूट के कलेक्शन दिख रहे हैं उनका प्राइस भैया 250 बता रहे थे। तो मुझे ये वाला जो स्टॉल है या आप शॉप कह लो बहुत ही अच्छा लगा और रीजनेबल भी लगा। मैंने यहाँ से एक शूज़ परचेज़ किया है और इसके साथ ही आपको इस तरीके के पार्टी वेयर टॉप देखने के लिए मिलेंगे। और मंदिर के जस्ट बगल में नाइट वेयर के अच्छे कलेक्शन थे, यहाँ पे आपको विंटर और समर दोनों के अकॉर्डिंग मिल रहे थे। और इसी वाली शॉप के जस्ट अपोजिट में ये भैया बैग का सेल लगाते और इनका बैग और पर्स का फिक्स प्राइस 350 होता है, बट अगर थोड़ी गुंजाइश होती है तो ये कम कर लेते। और उसी के साथ ही लेदर के बूट के कलेक्शन है, ये इसका प्राइस 1500 बता रहे हैं। और यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही थी, ये इसे 900 के अप्रॉक्स देने के लिए तैयार हो गए थे और कहते हैं कि ये प्योर लेदर की शूज़ है। तो इसी वाली लेन में जब आप आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको शूज़ की कुछ सेल इस तरीके से मिलेगी और सारे के सारे 350 के प्राइस में है। और ये जो शॉप है मुझे बहुत ही रीजनेबल लगी क्योंकि कई जगह पे यही वाले शूज़ 500 प्लस में सेल हो रहे थे। और आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि जब मैं शॉप के अंदर रिकॉर्डिंग करती हूँ तो कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं खतरों के खिलाड़ी की पार्टिसिपेंट बन गई हूँ। इतने मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाते हैं क्योंकि ये अलाउड ही नहीं करते हैं, आपको रिकॉर्ड करने ही नहीं देते हैं शॉप के अंदर। तो बड़े मुश्किल से मैंने शॉप के अंदर कुछ रिकॉर्डिंग की है, तो वीडियो की क्लैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जितने भी आपको शूज़ बाहर दिख रहे हैं वो सारे के सारे 350 के प्राइस में हैं। क्यों, किसी ओनर मना करते हैं? तो आप देख ही रहे हैं कि ओनर इन्हें स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी शॉप के अंदर। तो शॉप के अंदर जितने शूज़ हैं उनका 500 प्लस रेट है। और जो मेरे हस्बैंड ये स्नीकर देख रहे हैं इसका प्राइस इन्होंने 650 बताया था और 600 में देने के लिए तैयार हो गए थे, बट हम 500 बोल रहे थे। और ये वाली शॉप मॉल के जस्ट अपोजिट जो लेन है उसमें जब आप आगे जाएंगे तो ये वाली सारी शॉप्स मिलेगी। अगर आप SN आते रहते हैं तो जो पहले वीडियो में मैंने बाली वाली शॉप दिखाई थी, शॉप नंबर 76 था, उसके अपोजिट ही HDFC बैंक का ATM है। उसके साथ ही एक शूज़ की शॉप है, वहाँ पे लेदर के शूज़ बहुत अच्छे क्वालिटी के मिल रहे थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग करने नहीं दी। बट मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अच्छे क्वालिटी के शूज़ लेना चाहते हैं तो शोरूम और शॉप्स में ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि बूट्स में भी अभी अच्छी सेल चल रही है। और ये स्पार्क के शोरूम के जस्ट बाहर इस तरीके की सेल आपको देखने के लिए मिलेगी फुटवेयर की, जिसमें बच्चों के फुटवेयर के साथ साथ बूट्स भी हैं, जिसका प्राइस वो 400 प्लस बोल रहे थे। और ये जो लेन है मॉल के अपोजिट जो लेन है वही है, इसमें आप आगे जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बैग के बहुत सारे शॉप मिलेंगे। ये 200 प्राइस में आपको हर तरीके के बैग मिल जाते हैं और जो डेली यूज़ के लिए होते हैं। और साथ ही साथ जब आप थोड़ी सी आगे जाते हैं तो पटरी में आपको कुछ कॉस्टली बैग, मतलब अच्छी क्वालिटी के जो रहते हैं ये मिलते हैं, और ये इनका प्राइस हमेशा 500 ही होता है। मैंने कई बार इस लेन में विज़िट किया है और ये 500 से कम नहीं करते हैं, लेकिन आप कम कराने की कोशिश ज़रूर करिएगा। और मार्केट में मुझे बहुत ही अच्छे क्लच बैग देखने के लिए मिले और ये सारे के सारे 200 के प्राइस में थे। और ये US पोलो के शोरूम के जस्ट बाहर इन्होंने लगा रखा था शॉप। और ये जो है इसमें कलर ऑप्शन भी बहुत सारे थे, और जो पोटली वाले बैग हैं उनका भी ये प्राइस 200 बोल रहे थे।
और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओम बूट हाउस के जस्ट अपोजिट पटरी में इस तरीके से आपको क्लच बैग, पर्स और हर तरीके के बैग्स के कलेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो 350 के प्राइस में मुझे यहाँ पे इनके बैग के कलेक्शन बहुत अच्छे लगे। और अगर आपने अभी तक जनवरी 2020 वाली मेरी SN की वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको हर लेन के बारे में डिटेल में बताया। जनवरी 2020 के वीडियो में मैंने आपको लास्ट में जो शॉल वाली शॉप दिखाई थी उसके जस्ट अपोजिट इस तरीके के बैग वाली शॉप होती है। ये पोटली वाले बैग 100 के प्राइस में बोल रहे थे और जो मैंने पहले रेड वाला दिखाया था वो 200 बोल रहे थे। तो एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके का कुछ लोकेशन है। इसके बाद मैंने गेट नंबर 1 वाली लेन कवर की थी, तो शॉप नंबर 134 के बाहर आपको 200 की सेल देखने के लिए मिलेगी। और इसमें आपको सॉफ्ट कोजी स्लीपर्स से लेके और ये डिफरेंट डिफरेंट बैली और सैंडल भी मिलेंगे। और शॉप के अंदर 399 के प्राइस में बूट की सेल लगी हुई थी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा। और इसके जस्ट अपोजिट है शॉप नंबर 121 और यहाँ पे बाहर पे 200 की सेल थी और अंदर जो शॉप के अंदर फुटवेयर है इसके प्राइस 300 प्लस थे, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो इस शॉप में आपको हर तरीके के फुटवेयर मिल जाएंगे, चाहे आपको उसमें स्पोर्ट्स शूज़ देखने हो या पार्टी वेयर सैंडल देखनी हो, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि और आप क्या क्या सरोजनी नगर में देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कवर करूँगी। और इस वाली शॉप के जस्ट बाहर बेल्ट की भी सेल लगी हुई होती है, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बेल्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं बेल्ट के लिए 133। और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने बाहर से आपको कवर करके बता रही हूँ। शॉप के अंदर भी अच्छे बैग्स होते हैं, 200-250 प्लस रेंज में हैं। और नीचे जो है इनकी सेल लगी हुई होती है, तो 300 में ये सारे बैग्स और पर्स सेल हो रहे थे। और इसी शॉप से मैंने पहले अपना बैग परचेस किया है। क्वालिटी वाइज तो ये कहूँगी कि आप 300 रुपये में बैग की गारंटी नहीं ले सकते, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।